नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। रेल डीआईजी उमाशंकर प्रसाद पहुंचे भागलपुर स्टेशन परिसर में, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा नेता से अपराधियों ने छिनतई की घटना को दिया अंजाम, सरेराह हुई घटना से लोग हुए भयभीत। एकलव्य खेल प्रतियोगिता को लेकर कुलपति ने खेल सचिवों के साथ की बैठक, 18 विश्वविद्यालय के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क जांच के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाली रैली, 24 नवंबर को होगा शिविर का आयोजन। और 11 दिसंबर से 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का होगा आगाज, कार्यालय का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। रेल डीआईजी उमाशंकर प्रसाद ने रविवार को जीआरपी कार्यालय और स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीआरपी कार्यालय में पेंडिंग केसों की समीक्षा की और थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि स्टेशन की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही डीआईजी ने पूरे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सभी पुलिसकर्मी काफी अलर्ट दिखे। इससे पूर्व जीआरपी कार्यालय पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण प्रारंभ भी कमी किया है। निरीक्षण में सभी अभिलेखों को देखा जाएगा, हमारे स्कॉट्स पार्टी में करते हैं किया जाएगा, पूर्व पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, क्या समस्याएँ हैं जाएंगी, उसके बाद जो अच्छा काम करेंगे पुरस्कृत होंगे, जो सही काम में नहीं आएगा। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। सरेआम अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले भाजपा नेता निरंजन सिंह से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,60,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गया। भाजपा नेता ने कहा कि प्रतिदिन की तरह वह रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने जिला स्कूल मैदान जा रहा था। इसी दौरान औखंडी यार कॉम्प्लेक्स के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने रिवॉल्वर दिखाकर सोने का चैन, अंगूठी, 2 मोबाइल और नगद 1,500 रुपए लेकर फरार हो गया। घटना के बाद भाजपा नेता ने जोकसर पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिर मैं 5 बजे करीब निकलते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जिला स्कूल। जिला स्कूल अपना बिसरिया स्थान होते हुए समीर घोष के रोड के, यानी राजेश वर्मा के घर से जिला स्कूल रोड गए। जाने के क्रम में क्या हुआ ना कि मंसूरगंज तरफ से एक लड़का मोटरसाइकिल 3 लोडिंग किए हुए आ रहे हैं, माने कि राजेश वर्मा के घर के पास, देखे कि एक अल्लाह ही जा रहे हैं। तो हम अपना कान में हेडफोन लगा कर चल रहे थे। चलते के क्रम में क्या हुआ ना कि उस समीर घोष के पास से वो फिर बाइक घुरा कर करके आगे बढ़े। हम चल बढ़ ही रहे थे जिला स्कूल तरफ। बढ़ने के क्रम में क्या हुआ ना कि जिला स्कूल से जा कर के वो वापस किया मोटरसाइकिल और औखंडियार कम्प्लेक्स के पास में मोटरसाइकिल रोक कर रिवॉल्वर तान दिया। मेरे को एक रिवॉल्वर ताना दूर से, दूसरा रिवॉल्वर मेरे माथा के पास ला के लगा दिया। लगाने के क्रम में बोला कि खोलो रे, खोलो अंगूठी, खोलो और हार मोबाइल दो। मोबाइल हार तो हम दे दिए उसको। निकालने क्रम पॉकेट चेकिंग करने लगा, पॉकेट में 1,500 रुपया हम ईटा के लिए देने के लिए जा रहे थे। ईटा वाले को एडवांस करना, मॉर्निंग वॉक करके हम उससे चले जाएंगे, ईटा वाले को एडवांस करना। लेकिन वो 1,500 रुपया भी मेरा निकाल कर करके और 2 अंगूठी, 1 मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल था ओप्पो का, जियो सिम था उसमें, और एक हार गला का। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में 21 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाली एकलव्य प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर रविवार को विश्वविद्यालय स्टेडियम में 18 विश्वविद्यालय के खेल सचिवों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने की। इस दौरान कुलपति ने प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही प्रतियोगिता से पूर्व सारी तैयारी पूरी कर लेने की बात कही। खेल पदाधिकारी सदानंद झा ने कहा कि खेल के नियम, खिलाड़ियों की ठहराने एवं उसके भोजन को लेकर बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
24 नवंबर को IMA हॉल में निशुल्क शिशु रोग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को जीवन जागृति सोसाइटी एवं IAP की ओर से हृदय रूपी बैलून के साथ रैली निकाली गई। रैली तिलका मांझी चौक से निकलकर विभिन्न मार्ग होते हुए घंटाघर चौक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली का नेतृत्व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजय ने कहा कि नारायणा अस्पताल के हार्ट रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शहर के गरीब एवं निर्धन परिवार के हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की जांच की जाएगी, जो पूरी तरह से निशुल्क होगा। जनजात बच्चों में हृदय रोग, जनजात हृदय रोग बहुत होता है और लोगों को जानकारी के अभाव में इसका इलाज नहीं हो पाता है। सरकार भी इसमें मदद करती है, लेकिन गरीब आदमी, गांव का अनपढ़ आदमी वहां तक सरकार के दफ्तर तक नहीं पहुँच पाता है और वह इलाज का खर्च नहीं ले पाता है। जीवन जागृति सोसाइटी और शिशु अकादमी भागलपुर ने यह आयोजन कर रहा है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कोलकाता से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग सर्जन 24 नवंबर को भागलपुर IMA हॉल में आ रहे हैं और इसमें सारे बच्चों का जांच करेंगे और जांच के उपरांत जिसको जिस तरह की बीमारी निकलेगी उसका ऑपरेशन का प्लान होगा और इसमें बिहार सरकार द्वारा राशि आवंटित की जाती है हर एक बीमारी के लिए। उसके लिए हम लोग संस्था के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे और सारे बच्चों को जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वह अनुदान जो सरकार के फाइलों तक सीमित रहता है वो लोगों तक मिले। 11 दिसंबर से शुरू होने वाले भागलपुर महोत्सव को लेकर रविवार को पटल बाबू रोड स्थित सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स में कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान, सलाहकार रमन कर्ण, विजया मोहिनी, सत्यनारायण प्रसाद एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अध्यक्ष जियाउर रहमान ने बताया कि इस बार भागलपुर महोत्सव अपना 14वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और महोत्सव से संबंधित सभी कार्य इसी कार्यालय से शुरू होगा। प्रतिभागियों के लिए कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध है और प्रतिभागी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भागलपुर महोत्सव 2019 14वां वर्षगांठ हम लोग इस बार मनाएंगे और 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक टाउन हॉल में ये कार्यक्रम होगा। इसमें जितने भी कार्यक्रम होंगे, आज इस जगह हम लोग मौजूद हैं, ये भागलपुर महोत्सव का कार्यालय खुला है। आज से कार्य की हमारी शुरुआत होगी। बच्चों का जो प्रतियोगिता होता है उसका आज जो है ये बुकलेट तैयार होकर आ गया है। कुछ लोग आए हुए और कुछ बच्चे आए हुए भी हैं। आज से जो है बच्चे जो प्रतिभागी होंगे उसको जो है ये बुकलिस्ट आज हम इसमें हैंड ओवर करेंगे और इसी कार्यालय से भागलपुर महोत्सव का सारे कार्य को हम लोग अंजाम देंगे। भागलपुर जंक्शन पर बन रहे नए फुट ओवर ब्रिज पर गार्डर चढ़ाने का काम रविवार को पूरा हो गया। इस दौरान 9 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया था, जिसके कारण भागलपुर साहिबगंज पैसेंजर, जमालपुर भागलपुर पैसेंजर रद्द रही। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन विलंब से हुआ। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सुरक्षा के लिए RPF जवानों को तैनात किया गया था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070109894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुंदरवन स्थित अंबेडकर भवन में रविवार को धरती पुत्र महाजन नायक बाबा बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। समारोह का उद्घाटन SC ST कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बिंदुसार मंडल, सचिव अखिलेश्वर पासवान एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इसके बाद बाबा बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिंदुसार मंडल ने बाबा बिरसा मुंडा द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर SC ST कर्मचारी संघ के सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के सराय रोड स्थित कैरियर सॉल्यूशन ने वर्ष 2020 में होने वाले 10वीं परीक्षा की तैयारी को लेकर कैप्सूल कोर्स की शुरुआत कर रही है, जो छात्रों के लिए पूरी तरह से निशुल्क रहेगी। संस्था के निदेशक मंजीत सिंह एवं एकेडमिक हेड राजीव कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैप्सूल कोर्स के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए संस्थान की ओर से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। क्लास दसवीं के जो बच्चे जो स्मार्ट 10th अपीयर कर रहे हैं, CBSE हो ICSE हो, उनके लिए मुफ्त में हम कैप्सूल कोर्स चालू करने जा रहे हैं, जो 45 दिनों का होगा। 45 दिनों में ऐसे हमने तैयार किए हैं अपने सिलेबस को कि बच्चे जो है अपने एग्जाम में जाने के पहले वो फुली लोडेड हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। और निश्चित रूप से उसके लिए हर विषय के लिए एक्सपर्ट की टीम हमारे पास है। जैसा आपको शायद मालूम होगा, CBSE में साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली बायो और आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के अलग अलग एक्सपर्ट यहाँ रखे हैं। किसी भी तरह का कोई भी समस्या उनके लिए या एग्जाम के पहले, मैं चाहता हूँ उनको पूरी तरह से एकदम फुली लोडेड करके भेजूँ, ताकि बच्चे अच्छा कर पाए, आंध्र प्रदेश भागलपुर का नाम रोशन करें। उसके बाद उसमें कोई, सबसे बड़ी बात, कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है। बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खास करके यहाँ अलग से बैच चलाया जाता है। भागलपुर SSP आशीष भारती के निर्देश पर अपराधियों और शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भागलपुर पुलिस ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 लोगों को जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने कुर्की जब्ती के 2 मामले का निष्पादन किया। साथ ही पुलिस ने 21 लीटर शराब एवं 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया। वहीं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 662 वाहनों के कागजात और हेलमेट की जाँच की गई, जिससे 87,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। नाथनगर मुसरी टोला के बच्चों के साथ रविवार को आसरा टीम के सदस्यों ने चिल्ड्रन डे मनाया। इस दौरान बच्चों के बीच कई तरह के इवेंट आयोजित किए गए, जिसमें ड्राइंग, राइम्स, एजुकेशन गेम से संबंधित प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक डोकानिया ने कहा कि मुसरी टोला के बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हो, इसको लेकर बच्चे के बीच तरह तरह के इवेंट आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर रीता सिन्हा, जया, शविया, अतिशय, अनुपम, केतन, ऋत्विक सहित कई सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के कोर्ट कैंपस स्थित होटल में रविवार को मानव अधिकार प्रोटेक्शन बिहार इकाई द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार राज्य प्रभारी GD ज्ञानी ने की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरिया कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज विरोधी तत्व, दलाल, अत्याचारी पुलिस, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दबे कुचले लोगों को मिले और पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ही मानव अधिकार प्रोटेक्शन का कार्य है। इस दौरान नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें GD ज्ञानी को बिहार का प्रभारी मनोनीत किया गया। साथ ही SK सिन्हा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड का प्रभारी बनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में बिहार झारखंड से आए सदस्य मौजूद थे। शिक्षा में हम पाए हैं कि संगठन ने जो काम किया है जनता के लिए जागरूक करने का, अच्छा काम किया है। उस समय तक आपने देखा होगा सोशल मीडिया दुरुपयोग अभियान भी हम लोगों ने चलाया था, सबको जागरूक किया। महाराष्ट्र में चला, मध्य प्रदेश में चला, बिहार में भी चला, पश्चिम बंगाल में भी चला। तो इस तरीके के कार्यक्रम बराबर चलते रहते हैं और अभी शुरुआत है, 1 साल का समय हुआ है। तुम्हें बिहार का काम है, उसके बाद हमें इस समय वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बिहार बनाया गया,
हमने मिलकर बिहार में भागलपुर, लखीसराय, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, इन सब जगह पर इस संगठन को मजबूत करने का काम किया। जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, मैं उसकी आवाज़ को बुलंद करके आगे बढ़ूंगा और जो दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों के लिए मैं लड़ूंगा। थायरो केयर और निशुल्क होमियो दवाखाना की ओर से रविवार को भिकनपुर में जांच शिविर लगाया गया। निशुल्क मधुमेह जांच शिविर में दर्जनों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। थायरो केयर के मोहम्मद बिलाल और आमिर ने बताया कि शिविर में डायबिटीज से पीड़ित लोगों को नियमित दवा खाने और समय पर शुगर लेवल की जाँच कराने का परामर्श दिया गया। मौके पर डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, अब्दुल हसन, शौकत अली समेत कई लोग मौजूद थे। आज जो है ब्लड शुगर का यहाँ पर जाँच हुआ भिकनपुर होमियो क्लिनिक के द्वारा और थायो केयर के सौजन से यहाँ पर हुआ। कई एक लोगों का किया गया यहाँ पर जांच। यहाँ पर महिला भी बहुत सारी आई, बहुत सारे गरीब लोग आए और यहाँ पर उन लोगों का जांच हुआ और थायो केयर की तरफ से कुछ लोगों को यहाँ पर से रेन कोट भी गिफ्ट दिया गया है। सबौर NH80 पर धूल से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। धूल के कारण हमेशा मकान और दुकानों में मोटी परतें जमी रहती है। वहीं कई लोग धूल के कारण बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सुजीत कुमार झा ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर धूल से निजात दिलाने की मांग की है। NH80 पर पिछले 2-3 महीने से लगातार धूल से यहाँ की जनता परेशान है और इस संबंध में जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसमान जी से बात की उन्होंने बताया कि NHAI में फंड की कमी है, वो इसके कारण रोड का मरम्मत जो है उसके ऊपर मिनस का लेयर नहीं चढ़ पाया। बौसी के मंदार पापहरनी स्थित 3 दुकानों में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग लगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। स्थानीय दुकानदार ने साजिश के तहत दुकान में आग लगाए जाने की बात कही है। बांका बेलहर मुख्य मार्ग पर बाइक सवार 2 युवकों के हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना बांका बेलहर मुख्य मार्ग के कमलडीही चौक के समीप हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रदीप ठाकुर और श्याम सुंदर तांती बाइक से बांका की ओर जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ दोनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांका में डेंगू मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं रहने के विरोध में रविवार को गांधी चौक पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता नयन सिंह नटवर ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। डेंगू मरीज की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन अस्पताल में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होगा तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर हीरा बाबू, मन्नू सिंह, राहुल देव, रोहित राज सहित काफी संख्या में युवा मौजूद थे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन सीतामढ़ी और शेखपुरा में हुआ। कराटे चैंपियनशिप में भागलपुर के 16 बालक सीतामढ़ी और 12 बालिका शेखपुरा में बेहतर प्रदर्शन कर वापस लौटी। कोच एवं शारीरिक शिक्षक रोहित खेतान ने बताया कि अंडर 14 में 35 किलो भार में मोहम्मद अफरीदी को कांस्य और 50 किलो भार में सुधांशु को कांस्य पदक मिला, जबकि बालक वर्ग अंडर 17 में 40 किलो भार में शुभम झा को कांस्य मिला। वहीं अंडर 17 बालिका वर्ग में नाजराना नाच को स्वर्ण, 48 किलो भार में अदिति को कांस्य और 36 किलो भार में प्रियसी कुमारी को कांस्य मिला है। अंडर 17 टीम के प्रभारी के रूप में कोच मसीउल औला साथ थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। रेल DIG उमाशंकर प्रसाद पहुंचे भागलपुर स्टेशन परिसर में, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा नेता से अपराधियों ने छिनतई की घटना को दिया अंजाम, सरेराह हुई घटना से लोग हुए भयभीत। एकलव्य खेल प्रतियोगिता को लेकर कुलपति ने खेल सचिवों के साथ की बैठक, 18 विश्वविद्यालय के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क जांच के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाली रैली, 24 नवम्बर को होगा शिविर का आयोजन। और 11 दिसंबर से 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का होगा आगाज, कार्यालय का हुआ शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।